यूजी चैनल। बच्चों यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम के बारे में, और जैसा कि आप जानते हो हमारे इस चैनल पे आपको यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जा रही है, और प्लांट किंगडम जो है वह हमारा बायो का सेकेंड चैप्टर है, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स। ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ एल्गी जो है ये तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसको स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स से। तो देखो एंजियोस्पर्म्स की जो क्लासिफिकेशन होती है ये क्या होता है, ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, इट्स नॉट अ नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, और ना ही साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन होती है, यहाँ पर बस आर्टिफिशियल तरीके से होती है, जिससे कि आपके लिनियस ने दिया था। आपको याद होगा कार्ल लिनियस, जिनका नाम हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था, और हम इस वैसे से हम लोग ये पढ़ते हैं कि उन्होंने जो है आपके किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो नेमिंग की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि ये जो है एक जेनरिक नेम होना चाहिए और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए, जिसमें कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि अगर हम बात करते, बहुत फेमस है आपका एग्जाम्पल मैंगो का, ठीक है, मैंगो का नाम आपको याद होगा, क्या नाम होता था बच्चा जी, मैंगीफेरा और इंडिका। और क्योंकि इसके लिखने के जो तरीके होते थे वो भी आपको याद होगा कि जब भी कभी हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इनके नीचे जो है हम अंडरलाइन कर दिया करते हैं जब हम लिखते थे, लेकिन जब इनको जब प्रिंट किया जाता है देन ये इटैलिक फॉन्ट में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चा मैंगीफेरा जो है वह हमारा जीनस नेम है, और इंडिका जो है वह क्या है, वह स्पेसिफिक एपिथेट है जो कि स्पीशीज को इंडिकेट करता है, और बाद में हम लोगों ने इसको ये भी कहा था कि क्योंकि इसको हमारे लिनियस ने दिया था तो हम लोग लास्ट में जो है लिनियन लिखते हैं, ठीक है। ये जो है इस तरह से हम क्या करते हैं, हम किसी भी आपके अगर बात कर सको कोई भी ऑर्गेनिजम्स है या फिर आपके प्लांट्स हैं इनके अगर साइंटिफिक नेम अगर आपको लिखने हैं तो आप इस तरह से लिखा करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है यानी ये क्लासिफिकेशन जो है एंजियोस्पर्मा की वो किस बेसिस पे डिपेंड करती है। तो देखो बच्चा ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या आ जाते हैं बच्चा, आप क्या जाते हैं स्टेम्स, लीफ, फ्लावर्स, रूट्स, ये सभी चीज, रूट्स को अगर छोड़ के बात की जाए तो बाकी के स्टेम्स हो गए, लीफ हो गए, फ्लावर्स हो गए, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो बात यहाँ पे की जा रही है कि उनके एंड्रोशियम का उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उस बेसिस पे भी ये क्लासिफिकेशन इनकी की जाती है। अब अगर बात की जाए कि हमारे एंजियोस्पर्म में जो है वह इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। वेजिटेटिव आपको याद होगा, जैसे आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा जिसमें कि हम लोग प्लांट के रूट के अलावे जो है उनको अगर रूट को छोड़ दिया जाए तो उनके लीफ हो गए, देन आफ्टर उनके स्टेम हो गए, इनसे हम लोग क्या करते थे नए प्लांट्स जो है वह ग्रो करवाते थे, है ना। तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मीन कि जिसमें उनके जो है सेक्सुअल पार्ट्स काइंड ऑफ उनके एंड्रोशियम गायनोशियम ये सब जो है उसमें पार्टिसिपेट लेंगे, ठीक है, जिसमें आपके उनके पिस्टल्स आ जाएंगे, कार्पल्स आ जाएंगे, ओवरीज वगैरह ये सब स्टिचेस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि दोनों को जो है यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस और आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस दोनों को ही इनमें खास इंपॉर्टेंस और इक्वल इंपॉर्टेंस जो है वह दी गई है। अब बात करते हैं कि नेचुरल सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन क्या है भाई। तो देखो आर्टिफिशियल में तो ये बात हो गई, लेकिन अब बात कर रहे हैं नेचुरल क्लासिफिकेशंस की, उसमें क्या होगा, तो ये बेस्ड होगा मॉर्फोलॉजी पे, ओके, एनाटॉमी पे, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। दैट मीन कि उनके बाहरी स्ट्रक्चर उनका कैसा है, उनका अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा है, दैट मीन एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए, उनके एम्ब्रियोलॉजी काइंड ऑफ उनके एम्ब्रियोनिक हिस्ट, मतलब उनकी अब बात कर सकूँ उनका कैसा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रहा है, किस तरह से उनके एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, और कौन कौन से स्पेशल केमिकल और स्पेशल काइंड ऑफ
आप बोल सकते हो एलिमेंट्स जो है वो उनके अंदर पाए जाते हैं, इन सभी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन करते हैं। अब बात करते हैं ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुक, इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन किया था किसका, प्लांट का। ओके नाउ अब हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ध्यान देना बच्चा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो जहाँ मैं आपको मार्क कर दे रही हूँ, स्टार लगा दे रही हूँ, वहाँ पे आप समझ लो कि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी के पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसलिए मैं यहाँ पे इसको आपको मतलब मैं इसलिए नोटिफाई करना चाहती हूँ कि इससे जो है कोई क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चा जी एग्जाम में, ठीक है ना, तो इस वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। अब फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स जो होती है वह क्या होता है कि बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दैट मीन के समझो ऐसे कि क्या, जैसे दो ऑर्गेनिजम्स की अगर बात हो रही है, मान लो अगर प्लांट की ही अगर बात करें, ठीक है, तो प्लांट में हम बहुत सारे पढ़ते हैं टाइप्स, जैसे टेरोफाइटा हो गया, थैलोफाइटा, टेरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें एक प्लांट जो है जो कि पहले क्या था, पहले वह वाटर के अंदर रहा करता था, पहले जो है वह वाटर के अंदर रहा करता था, और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें चेंजेस आ गई और धीरे धीरे ये लैंड की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, टाइम के साथ साथ इसमें क्या हो गया, चेंजेस हो गई, दैट इज इवोल्यूशन हो गई, और वह अब लैंड की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। शुरू शुरू में वह जो है वह क्या करता था, उसके बॉडी स्ट्रक्चर जो थे वह बिल्कुल अलग थे। अब टाइम के साथ क्या हुआ, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस आ गए, पहले उनमें स्टेम्स वगैरह, वुडी स्टेम्स वगैरह जो थे वो नहीं थे, अब उनमें वुडी स्टेम्स आ गए, और अब पहले उनकी हाइट काफ़ी छोटी हुआ करती थी, अब उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, जैसे आप बात करते हो आप टेरिडोफाइटा की और जेमिनोस, और आप बात करो जिम्नोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म की, तो आप या फिर एंजियोस्पर्म की अगर बात करो तो आप ध्यान दोगे बच्चा जी कि इनमें कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलेंगे, बट कुछ जो कैरेक्टर्स आपको हैं वह समय के साथ इनमें चेंजेस दिखाई देंगे। देखो ऐसा होता है ना कि देखो हम लोग, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि हम लोग भी जैसे फिश हमारी जो है वह मछली हमारी पानी में रहती है, देन आफ्टर फिर आप जो कि फिश के बाद एम्फीबियंस की बात करते हो, जैसे कि मेंढक वगैरह हो गए, और बहुत सारे जो कि लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म हो गए, देन आफ्टर रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, देन मैमल्स हो गए, तो इन सभी में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें हैं ना बच्चा जी, जो कि साबित करती है कि हाँ जी हमारा कुछ ना कुछ आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रहा है। दैट मीन कि हमारा जो ग्रोथ जो है, हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारे में जो इवोल्यूशन जो हुआ है वो थ्रू द वाटर हुआ है। दैट मीन कि हमारी लाइफ का जो ओरिजिनेशन, जो कि हम पढ़ते हैं कि वाटर में हुआ था और वहीं से हमारी लाइफ की शुरुआत हुई, और आज हमारा जो है लाइफ सिस्टम जो इतना बड़ा एक्सपैंड हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है वह इस बेसिस पे यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, और वो हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब तीसरा जो सिस्टम है हमारे क्लासिफिकेशन का, पहला तो रहा आर्टिफिशियल, दूसरा रहा नेचुरल, और तीसरा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दैट मीन कि इसमें जाहिर सी बात है जब न्यूमेरिकल वर्ड आ गया, दैट मीन कि इसमें कुछ डेटास वगैरह होंगे, है ना, कुछ नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या कही जा रही है कि दैट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वैसे कैरेक्टर्स जिनको कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि हम लोग देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उन सब पे ये डिपेंड रहती है। अब इसमें जो है नंबर एंड कोड्स असाइन टू ऑल कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर्स के लिए कुछ नंबर्स और कुछ कोड जो है वह असाइन किए गए होते हैं, यानी तय किए गए रहते हैं कि हाँ जी कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए ये कोड है, ये नंबर है, और कुछ कैरेक्टर के लिए, मतलब इस तरह से हर एक कैरेक्टर्स के लिए बात कर सकते हो, कुछ कोड और कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे दिए गए रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसलिए ये किए जाते हैं ताकि उनको ईजिली कैरी आउट यूजिंग कंप्यूटर। देखो ध्यान से बात समझो कि अगर हम लोग किसी इस तरह के डेटास को अगर हम बुक्स में, कॉपी में, या फिर किसी तरह से अगर पेपर में अगर हम इसको अगर स्टोर करके रखते हैं, देन चांसेस है कि आने वाले टाइम में लॉन्ग टाइम तक हम इसको जो है वो कंजर्व करके नहीं रख सकते। दैट मीन कि वो ख़राब हो जाएंगे, हो सकता है लॉस, मतलब किसी तरह से वो डेटाज लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इन सारे जो हमारे डेटाज वगैरह जो हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। अब देखो साइटोटैक्सोनॉमी क्या है, तो साइटोटैक्सोनॉमी जो है बच्चा जी, साइटो दैट मीन व्हाट, साइटो बिलोंग्स टू द सेल, याद करो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या होती थी, स्टडी ऑफ सेल्स को हम लोग साइटोलॉजी कहते थे ना। तो यहाँ पे साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब है कि
क्लासिफिकेशन तो होगी, लेकिन किसके बेसिस पे? आपके सेल्स के बेसिस पे। उनके क्रोम सेल्स में क्या होते हैं, तो सेल्स में आपके बहुत सारे उनके आप बोल सकते कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम नंबर, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके बिहेवियर्स क्या क्या होते हैं, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सच एज अ क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इस बेसिस पे जो है वो साइटो टैक्सोनॉमी जो है वह की जाती है। दैट मीन कंप्लीटली बात करें तो हमारे जो सेल के भीतर के जो कंपोनेंट्स हैं, जो कि इंफॉर्मेशनल साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, दैट मीन व्हाट, जहां इंफॉर्मेशन की बात आती है वहां हमारे क्रोमोसोम की बात आती है, भैया इसमें कितने क्रोमोसोम नंबर है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनका बिहेवियर है, ये सारी चीजें। ठीक है बच्चा, अब देखो अब बात करते हैं कीमो टैक्सोनॉमी की। तो कीमो टैक्सोनॉमी ध्यान दो, कीमो दैट मीन व्हाट, क्यों कीमो बिलोंग्स टू द केमिकल। तो अब जो है बात ये कही जा रही है कि हमारे प्लांट्स में, हम जो बात कर रहे हैं वो प्लांट्स की बात कर रहे हैं, कि प्लांट्स में हमारे किस तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से सेम है, कुछ डिफरेंट है एक दूसरे से। तो वो सारी चीज़ें जो है, वो सारे डाउट्स जो है, वो सारी कन्फ्यूजन जो है, वो सभी हम लोग अपने दूर करते हैं किसकी मदद से, तो कीमो टैक्सोनॉमी की मदद से करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिविजन्स ऑफ एल्गी की। तो देखो बच्चा, अगर एल्गी की अगर डिविजन की अगर बात करें तो हमारे जो एल्गी होते हैं इनकी बात देखी जाए तो देखो, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड अ लार्जली एक्वेटिक फ्रेश एंड मराइन ऑर्गेनिजम्स। अब इस बात को ध्यान से समझो कि हमारे अगर हम एल्गी की बात करें तो थैलॉइड दैट मीन व्हाट, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, और थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर्टी है किसकी, कौन से किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये बात हो रही है थैलोफाइटा की। किसकी बात हो रही है, थैलोफाइटा की, ठीक है, जो कि वाटर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चा जी, वाटर में रहते हैं, और कौन से वाटर में, तो फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों। ध्यान दो यहाँ पे लार्जली एक्वेटिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर आपको पानी में ही दिखाई देंगे, ठीक है ना। और पानी में, अगर पानी की बात करो, जाहिर सी बात है एक्वेटिक प्लांट है, और एक्वेटिक प्लांट में भी अब भाई सिंपल सी बात है, पानी है तो कैसा पानी है, कहीं मराइन वाटर दैट मीन कि सॉल्टी वाटर है या फिर फ्रेश वाटर है, तो दोनों में ही ये एग्जिस्ट करते हैं। और हमारे जो एल्गी होते हैं उनमें क्लोरोफिल भी होती है, ओके, और सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक दैट मीन व्हाट, याद करो हम लोगों ने क्लास 10 में या फिर उसके पहले भी हम लोगों ने जब न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऑटोट्रॉपिक्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉपिक बिलोंग टू ऑटोट्रॉप्स, दैट मीन ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। ऑटो दैट मीन के खुद, जिसको बोलते हैं ना, ये देखो ये बेचारा आत्मनिर्भर है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ये जो है अब इसकी मम्मी बाहर चली जाए, पापा बाहर चले जाए, घर में बेचारा अकेले रहे, ये जो मन आएगा वो बनाकर खाएगा, क्योंकि इसको सब कुछ आता है ना। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए ये ऑटोट्रॉप्स है, इसको किसी भी दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अपने फूड के लिए, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते हैं कि उसी तरह से देखो, सेम अकर्स इन एसोसिएशन विद द फंजाई लाइकेंस एंड एनिमल्स एग्जांपल्स ऑन अ स्लॉथ बियर। अब बात करते हैं कि हमारे जो ये एल्गी जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे फंजाई के साथ मिलके एक सिम्बॉयटिक एसोसिएशन करते हैं। सिम्बॉयटिक एसोसिएशन क्या होता है बता रही हूँ, ध्यान से समझना कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे मान लो कि ये है आपके, मान लो एल्गी, ठीक है, ये एल्गी है, और ये मान लो क्या है ये फंजाई है, ठीक है, ये फंजाई है। तो ये एल्गी है, एल्गी, ए फॉर एल्गी और एफ फॉर फंजाई। तो देखो अच्छा जी, ये एल्गी और फंजाई जब दोनों जब मिल जाएंगे तो ये क्या होगा कि ये जो है एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन होगा। कैसे होगा कि देखो, ये जो हमारा एल्गी है ये क्या करेगा, ये क्योंकि ऑटोट्रॉप्स है ना, ऑटोट्रॉप्स है, तो ये क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल भी है। तो ये क्या करेंगे बच्चा जी, ये सनलाइट को अब्सॉर्ब करेंगे और ये बनाएंगे, ये जो है अपना फूड बनाएंगे, ठीक है। अब जो है ये फूड बनाएंगे, तो फूड बना के भाई क्या करेंगे, खुद भी खाएंगे, मतलब खुद भी लेंगे, और इसको ही बोलेंगे भाई तू भी जरा खा ले, ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि अरे भाई जब ये फूड बना ही रहा है तो फिर अपना फूड मुफ्त में क्यों बांट रहा है उसको, फंजाई को, एल्गी अपना फूड मुफ्त में क्यों बांटेगा। तो यहाँ पे बात वो हो रही है कि बच्चा जी कि देखो ऐसा नहीं है कि ये मुफ्त में बांट रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली क्या है ना
कि जो फंजाई जो है ना वो बहुत ही अच्छा खासा जो है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्व करता है। क्या करता है? मॉइस्चर को अब्जॉर्व करने में माहिर होता है फंजाई। इसीलिए देखते हो कि जब कभार कभी हमारी बॉडी जो है वो गीली रहती है ना, तो बहुत बार ना हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है गीले शरीर होने की वजह से, ठीक है ना। तो जो फंजाई जो है वह क्या होता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्व करने में माहिर होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो है इसको वाटर की जरूरत होगी एज अ प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस, तो वो भी मदद हो जाएगी। और तो साथ ही साथ ये जो हमारा एल्गी जो है वो फंजाई की मदद से मूव भी कर सकता है, ठीक है ना। और बदले में बेचारा फंजाई बोलेगा, भैया हम तो तेरे को सैर करवा रहे, तू मेरे को क्या कर, तू मेरे को थोड़ा बहुत खाना भी दिया कर। ऐसा काम होता है, ठीक है। इनके बीच जो है कुछ ऐसा ही काम होता है। अब बात करते हैं कि यही तरह के रिलेशन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाते हैं, जब दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलें और एक दूसरे को बेनिफिट दें, एक दूसरे को फायदे पहुंचाएं, ठीक है ना, तभी वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो ये जो है, और ये आपके लाइकन्स जो है और कुछ एनिमल्स जो है काइंड ऑफ जैसे यहाँ पे लाइकेंस तो हो गए फंजाई का साथ इनका, लेकिन कुछ एनिमल्स भी ये है जैसे कि उनका एसोसिएशन होता है जैसे स्लॉथ बियर के साथ। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इनके साइज रेंज की अगर बात की जाए तो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म सच एज अ क्लैमिडोमोनास टू कॉलोनियल फॉर्म सच एज अ वॉलवॉक्स एंड अ फिलामेंटस फॉर्म सच एज अ यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइटा। ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे जो है यहाँ पे तीन तरह की बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है कि साइज के बेसिस पे, ध्यान देना, साइज के बेसिस, अगर साइज रेंज में अगर बात की जाए तो हमारा जो हमारे जो एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर अगर है, यूनिसेल्यूलर, ठीक है ना, यूनिसेल्यूलर अगर है बच्चा जी, तो यूनिसेल्यूलर में कौन आ गया, कौन आ गया, यूनिसेल्यूलर में आ गए क्लैमिडोमोनास। कौन आ गया बच्चा जी? क्लैमिडोमोनास। और वही अगर बात करें, ये बेचारा अकेला है, इकलौता बेचारा अकेला, दुनिया में कोई नहीं है बेचारा, बेचारे का कोई नहीं, एकदम अकेला मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, बिल्कुल वैसा ही है, एकदम अकेला, ठीक है। उसके साथ ही अगर बात की जाए कि अलग एक और है जो कि कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, मतलब इसका बड़ा पूरा परिवार है, ये अपने पूरे परिवार के साथ ज्वाइंट फैमिली के साथ रहता है, ठीक है ना, तो वो कॉलोनी के फॉर्म में रहता है। एक्चुअली ये पूरे मतलब बात कर सको कि आस पड़ोस के लोगों के साथ भी ये रहता है, ठीक है ना, अकेले अपने परिवार के नहीं, पूरे घर, मतलब वही बात हो गई ना, इसको घर क्यों कहते हो, जिला घोषित कर दो, वही वाली बात है, ठीक है। तो ये कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है। तो कॉलोनियल फॉर्म में जब ये रहते हैं तो ये कौन से हैं, ये कौन से हैं, इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, इनका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, ठीक है। आप ये याद रखोगे क्योंकि ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा जी, इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात कही जा रही है कि फिलामेंटस फॉर्म दैट मीन व्हाट, फिलामेंट फॉर्म यानी धागे के रूप में ये जो लंबे लंबे फॉर्म्स में होंगे ये कौन है, ये कौन है, तो ये है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, तो ये जो है इनको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि कुछ जो हमारे मराइन होते हैं सच एज अ केल्प्स, जो कि आपके क्या कहते हैं, फॉर्म मासिव प्लांट्स लाइक अ बडीज, ये काफी ज्यादा प्लांट जैसे बडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, तो इनमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बात की जा रही है सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगी वह फ्रैगमेंटेशन के जरिए होती है। कैसे होती है? फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन मीन व्हाट, याद करो ये जो है वह छोटे 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 टुकड़ों में ये टूट जाता है। ये जो है रहा स्पाइरोगाइरा, ये हो गया टूट गया। अब टूटने के बाद ये जो है इनमें क्या होगी, इनमें जो ये जो इनके पार्ट्स जो है ना, टूटे हुए पार्ट्स, ये अलग 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 स्पाइरोगाइरा जो है वो बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फ्रैगमेंटेशन का, जो कि हमारे किसमें हो रही है, स्पाइरोगाइरा हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल की, ओके, देन एसेक्सुअल की बात करें तो वो होते हैं ज़ूस्पोर्स, ठीक है, इनमें ज़ूस्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब जब बात की जाए कि हमारे जो वैसे एल्गी जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें जो है बच्चा जी गैमेट्स का फ्यूजन होता है, दैट मीन मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों का आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद एक बॉडी तैयार होगी जो कि क्या होगा, उनमें डेवलपमेंट होगा और वो एल्गी बनेगी, ठीक है। अब देखो
अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रही है वह तीन तरह के, यानी आपने जो कहा कि भैया ठीक है यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रही है, बट जो फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रही है वो तीन तरह से हो रही है। अब कैसे? तो आइसोगैमस, आइसोगैमस दैट मीन व्हाट, जहाँ पे गैमेट्स की जो साइज जो है ना दोनों गैमेट्स की, दैट मीन गैमेट्स की बात करें, गैमेट नहीं गैमेट्स बोल रहे, तो गैमेट्स दैट मीन व्हाट, मेल और फीमेल गैमेट दोनों। तो यहाँ पे जो है बच्चा जी आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की साइज जो होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी, दैट मीन सेम होगी, एक जैसी होगी। और ऐसा हमें आइसोगैमस रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है कहाँ, तो क्लैमीडोमोनास में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एनआइसोगैमस, एनआइसोगैमस दैट मीन व्हाट, नाम से ही समझ में आ रहा है, एन दैट मीन व्हाट, नो, एन वर्ड जनरली नो के लिए यूज किया जाता है, और आइसोगैमस दैट मीन सेम, यानी कि नो सेम, यानी कि हमारे यहाँ पे जो हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स जो होंगी उनकी जो साइज जो होगी वह सेम नहीं होगी, दैट मीन डिसिमिलर इन साइज। अब बात करते हैं कि ये किस में देखने को मिलता है, तो देखो हमारे जो क्लैमीडोमोनास भाई जो हैं उन्हीं के कुछ स्पीशीज में, उन्हीं के कुछ स्पीशीज में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ओगैमस के बारे में। ओगैमस में क्या होता है कि वन गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल फीमेल, ध्यान देना इसमें क्या होता है ओगैमस में, एक लार्ज गैमेट होगा। ठीक है, लार्ज गैमेट, ठीक है, मान लो ये एग है, फीमेल एग है, ओके, फीमेल गैमेट, और ये जो है बरी रहेगी और ये नॉन मोटाइल रहेगी, दैट मीन कि ये अपनी जगह से कहीं भी मूव नहीं करेगी, इसमें किसी तरह की मूवमेंट नहीं होगी। और दूसरा जो गैमेट होगा वो होगा छोटा सा, वो गैमेट होगा छोटा सा, और ये जो है इसमें मूवमेंट होगी, यानी ये मोटाइल रहेगा और ये मूव करके आएगा और इसको फ्यूज करेगा। और ऐसे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस में। ओके, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, हमारे जो एल्गी हैं इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमारे एल्गी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं अर्थ से बहुत ही लार्ज अमाउंट में, मेजरली जो हमारे एल्गी ही जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस जो है इनकी, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, यहाँ ध्यान देना कि ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है किसके, एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने की, जैसे कि आपके बात की जाए सरगेसम है, लैमिनारिया है, पोरफाइरिया है, इन सब का इस्तेमाल जो है वह फूड के रूप में होता है। बस मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि जापान में एक फेमस डिश होती है बच्चा, सुशी नाम है उसका, ठीक है, सुशी नाम है, और सुशी जब बनाते हैं तो उसके लिए शीट्स जो यूज करते हैं ना, शीट्स जो यूज करते हैं वो असल में एक एल्गी ही होता है। ठीक है, वो एक एल्गी ही होता है। तो हम लोग जो है ऐसे वो बात अगर की जाए कि ये हमारे एल्गी जो है ना वो फूड में भी एज ए यूज किए जाते हैं। अब देखो बात कही जा रही है, सब ब्राउन एंड रेड एल्गी स्पीशीज प्रोड्यूस वाटर होल्डिंग हाइड्रोकोलाइड्स, यानी हमारे कुछ एल्गी जैसे कि ब्राउन एल्गी हो गए और रेड एल्गी की जो स्पीशीज है वह क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो वो वाटर होल्डिंग हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करते हैं, वाटर को होल्ड किए रहते हैं। दैट मीन अगर मान लो कहीं जमीन पे अगर कहीं मॉइस्चर है, या फिर मतलब नदी के किनारे या फिर कहीं पानी के किनारे अगर बात की जाए तो उस जगह पे अगर कहीं मॉइस्चर अगर है तो इस वजह से है, क्योंकि वहाँ के जो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो है उन्होंने हाइड्रोकोलाइड्स को क्या करा है, प्रोड्यूस करा है, और वो हाइड्रोकोलाइड्स जो है वाटर को ऑब्जॉर्व करके रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए बात की जाए एल्गीन, एल्गीन जो कि ब्राउन एल्गी, और कैरागिन जो कि रेड एल्गी, दो एग्जाम्पल है, एक एल्गीन और दूसरा कैरागिन। अब बात करते हैं अगर, अगर प्रोड्यूस बाय जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया यूज ग्रो माइक्रोब्स एंड अ प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड अ जेली, जैसे आप देखते हो जैसे अगर एगर सॉल्यूशन जो होता है ना, जैसे उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आइसक्रीम्स बनाने में, जेली वगैरह बनाने में, जैसे कि हम लोग जो क्या कहते हैं आप जैसे बहुत सारी कैंडीज वगैरह आते हैं ना जेली फॉर्म में, तो वो सारी जो चीज़ें जो खाते हो ना वो एल्गी के ही बने होते हैं। और आप जैसे कि बहुत बार क्या होता है जैसे कि आप पुडिंग वगैरह बहुत जगह बनाते हैं ना, तो पुडिंग में भी एगर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कभी जैसे कि कभी शॉपिंग वगैरह से करते हो ना, तो अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ जैसे मान लो कि आप बच्चे जैसे कुछ नहीं जानते हो, तो आप ना कहीं पर भी आप गूगल वगैरह जैसे सर्च वगैरह आप कर सकते हो, एगर से रिलेटेड एगर की बहुत सारी डिशेज वगैरह बनती है, वो सारी चीज़ें से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें ये एक्चुअल में ऐसी होती है। ठीक है ना, ये बिल्कुल पाउडर जैसा होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि क्लोरेला स्पाइरुलिना आर अ प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट्स, दे आर आल्सो नोन एज अ स्पेस फूड। बिल्कुल, जैसे ध्यान दो, हम बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए बच्चा जी, या फिर आपको हो सकता है आप में बहुत बच्चे को पता हो कि हमारे जो साइंटिस्ट या फिर यूं कहें हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जब हमारे स्पेस में जाते हैं तो उस दौरान वो ऐसा जैसे हम अगर पिकनिक पे अगर कहीं जाए दूर जाए तो हम क्या करते हैं, बैग बढ़ के खाना लेकर जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हम खाने को लेकर जाते हैं, लेकिन हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते। एक्चुअल में वो क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है वो लेकर जाते हैं कहाँ, स्पेस में, और इन क्लोरेला और स्पाइरुलिना को ही वह खाते हैं। क्यों? इसीलिए इनको जो है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होते हैं बच्चा जी, और ये जो है क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है वह आपके क्या है, ये क्वेश्चन जो है ध्यान देना बच्चा, ये जो पॉइंट है आपके लिए खास इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बात हो रही है कि ये जो है हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो है वो जाते हैं स्पेस में, तो मोस्ट ऑफ द ये चीज़ें खाते हैं, इसीलिए इनको स्पेस फूड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा ये न्यूट्रिशियस होते हैं ना, तो ये भी एक रीज़न है। अब देखो मेजर क्लासेस ऑफ एल्गी क्या है, तो वो है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब देखो क्लोरोफाइसी की बात करें तो ध्यान देना, कॉमनली क्लोरोफाइसी को क्लोरो दैट मीन व्हाट, क्लोरो बिलोंग्स टू द क्लोरोफिल, ओके, और बात की जाए कि ये जो है उनको हम लोग ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं, और ये जो है वो हमारे या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या कॉलोनियल हो सकते हैं और फिलामेंटस तीनों हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर यानी अकेला घूमने वाला बंदा, मुसाफिर हुयारो न घर न ठिकाना काइंड ऑफ, और कॉलोनियल यानी घर क्यों नहीं, इसको घर क्यों कहते हो, जिला घोषित कर दो वाला वो, और या फिर फिलामेंटस यानी कि बिल्कुल ये रस्सी जैसा समझ लो, ठीक है, ताड़ जैसा वो, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ग्रास ग्रीन कलर ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ अ क्लोरोफिल ए एंड बी, यानी इनकी जो कलर जो होती है वो ग्रास ग्रीन कलर की होती है, और इसलिए होती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी बहुत ज़्यादा होती है इनमें, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई, तो यहाँ देखेंगे क्लोरोप्लास्ट जो है डिस्कॉइड शेप, प्लेट लाइक शेप, रेटिकुलेट कर्व शेप, स्पाइरल शेप, रिबन शेप। अब देखो इसमें कुछ कुछ शेप्स की बात की गई है। अब देखो डिस्कॉइड शेप जो हो गए वो बिल्कुल ऐसा होता है, देखो ये इस तरह से हैं, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे, ये इस तरह के डिस्कॉइड शेप होते हैं, प्लेट लाइक शेप आप समझ ही रहे हो कुछ यूं, ठीक है, और रेटिकुलेट मीन व्हाट, रेटिकुलेट मीन जालीदार, ठीक है, जालीदार, ठीक है, और कप शेप इस टाइप के, स्पाइरल इस टाइप के हो गए, और रिबन जो हो गए वो कुछ इस तरह के हो गए, ये इस तरह के फ्लैट और इलोंगेटेड, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ शेप्स हो गए आपके क्लोरोप्लास्ट के। अब जो है हम बात करने जा रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लोरोफाइसी कंटेन पाइरेनॉइड्स, आपके जो क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी जो होते हैं इनके क्लोरोप्लास्ट मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं, ज़्यादातर ये कंटेन करते हैं पाइरेनॉइड्स को, और पाइरेनॉइड्स क्या होते हैं बच्चा, तो ये स्टोरेज बॉडी कंटेनिंग प्रोटीन टू एडिशन टू स्टार्च, इन एडिशन टू स्टार्च, यानी इनमें जो पाइरेनॉइड्स जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि बच्चा पाइरेनॉइड्स क्या है, या दैट मीन इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो पाइरेनॉइड्स जो है बच्चा जी वह है आपके कि वह एक स्टोरेज बॉडी है, दैट मीन की आपके प्रोटीन और स्टार्च को मिला के उसको स्टोर करने की एक प्लेस है, जैसे हमारे घर में बर्तन होते हैं ना, बर्तन होता है, फिर थाली होती है ना जिसमें कि हम लोग सामान वगैरह कुछ रखते हैं, तो उसी तरह से पाइरेनॉइड्स जो है वो भी एक स्टोरेज बॉडी है, जहाँ पे हमारे प्लांट्स जो है एल्गी जो है वो स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, तो प्रोटीन आपके स्टार्च के साथ मिला के वो स्टोर कर देते हैं उसको, ठीक है। अ फूड स्टोरेज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इन सम एल्गी, कुछ एल्गी जो हैं वो अपने फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी स्टोरेज करते हैं, यानी उसको स्टोर करते हैं।
अब अगर बात की जाए कि हमारे जो सेल्स होते हैं इनके, हमारे क्लोरोफाइसी के जो सेल्स होते हैं इनकी अगर बात की जाए तो हैव अ रिजिड सेल वॉल, इनर लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, आउटर लेयर मेड अप ऑफ पेक्टोज, यानी इनके जो सेल वॉल होते हैं वो थोड़े रिजिड होते हैं, दैट मीन काइंड ऑफ थोड़े हार्ड होते हैं, और इनका जो इनर लेयर है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, आउटर लेयर जो है वो पेक्टोज का बना होता है। अब ध्यान देंगे कि एग्जाम्पल कौन कौन है इनके, दैट मीन इनकी क्लोरोफाइसी यानी कि हमारे ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन है, तो तीन हो गए, वॉलवॉक्स, कैरा और क्लैमी डोमोनास। ठीक है, वॉलवॉक्स, कैरा और क्लैमी डोमोनास, यानी आप बोल सकते हो क्या है, वोलचला। देखो वोल कहां से, वॉलवॉक्स से, चा कैरा से और चला, यानी वॉल चा चला, वॉल चा चला। ठीक है, अब बात करते, ये एज अ मेनोमोनिक्स भी आप समझ सकते हो कि हाँ जी ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूफाइसी की। तो फ्यूफाइसी क्या है, तो फ्यूफाइसी इज काइंड ऑफ अ, उसको हम लोग ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, क्लोरोफाइसी दैट मीन ग्रीन एल्गी, फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी। अब इनकी अगर बात करें तो ये जो है मेराइन फॉर्म में तो मिलते हैं, और इनमें क्या होती है, शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, यानी इनमें जो आपको साइज वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को आपको मिलती है ब्राउन एल्गी में। अब इनके रेंज की अगर बात करें तो ये सिंपल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में एक्टोकार्पस होते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म सच एज अ केल्प्स में रिच एज अ हाइट ऑफ 100 मीटर, और केल्प्स के फॉर्म में ये कम से कम 100 मीटर तक की ऊंचाई इनकी होती है। अब देखो हाँ जो ये बात की जा रही है कि इनमें, इनमें भी ऐसा नहीं है कि ये ब्राउन एल्गी है दैट मीन इनमें क्लोरोफिल नहीं होगा, इनमें क्लोरोफिल होता है बच्चा जी, इनमें क्लोरोफिल होता है, हाँ बस उतना ही होता है जितना कि जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस कर सके, और जिनमें बहुत ज़्यादा है तो भैया वो तो उनका कलर भी ग्रीन रहेगा, है ना, बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ब्राउन एल्गी है तो उनमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ आप अपने दिमाग से निकाल देना। ठीक है, अब देखो बात करें इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी है, ओके, और कैरेटिनाइड्स और ज़ैंथोफिल्स भी आपके पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो है वो कलर में वैरी करते हैं, ये जो हमारे हैं वो कलर में वैरी करते हैं, इनका जो कलर है ऑलिव ग्रीन से लेकर के, ध्यान देना, वेरियस शेड ऑफ ब्राउन, यानी कि ऑलिव जो हमारी ग्रीन ऑलिव जो होती है ना उनके कलर से लेकर के आपके ब्राउन तक की कलर होती है, मतलब उनमें अलग 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 शेड्स में ये पाए जाते हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि उनमें ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथिन, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथिन जो है वह कितने अमाउंट में पाया जा रहा है, इस हिसाब, इस बेसिस पे इनके जो है वो शेड्स जो है वह डिपेंड करते हैं। ये एक हो सकता है, एक मतलब क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ से कि ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथिन जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, दैट मीन कि वह कहाँ पे उसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि इन ब्राउन एल्गी, उन हमारी जो ब्राउन एल्गी की जो शेड्स जो होती हैं, वेरियस कलर जो होते हैं वो डिपेंड इनके अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, अब फूड स्टोर की बात करें, एज ये जो है वो फूड स्टोर करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में, हमारे वो जो थे वो हमारे जो क्लोरोफाइसी थे वो क्या करते थे, प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करते थे, और कुछ जो थे हमारे आपके क्लोरोफाइसी वो क्या करते थे, अपने फूड को एज अ ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर करते थे ना, लेकिन हमारे जो ब्राउन एल्गी है वो क्या करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को स्टोर करती हैं, जिसमें कि लैमिनरीन और मैनिनटॉल जो है वह आते हैं। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन जो है वह आ चुके हैं बच्चा जी, इसके ऊपर जो है वह क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो मैनिनटॉल या लैमिनरीन जो है वह किसका फूड प्रोडक्ट है, तो आप बता सकते हो भाई कि ये हमारा जो है वह किसका है, ब्राउन एल्गी का है। अ वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोज़िक वॉल, ओके, कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्गिन, यानी इनके जो वॉल्स, वेजिटेटिव सेल वॉल्स जो होते हैं इनके, वो क्या होते हैं, उनके पास जो है वेजिटेटिव सेल, उनके पास सेलुलोज़िक वॉल होते हैं यानी वो सेलुलोज के बने होते हैं, और इनकी आउटर जो कवरिंग होती है वह जिलेटिनियस कोटिंग की बनी होती है, यानी वो जो है ना जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको कि हम लोग एल्गिन कहते हैं।
अब यहाँ ध्यान देना कि ये जो सेल जो है वो कंटेन सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस इन एडिशन टू प्लास्टिड्स, यानी इनमें जो है वह क्या होगा कि इनमें सेंट्रली वैक्यूल्स जो है वह और न्यूक्लियस जो है इनमें इनके प्लास्टिड में जो है वो एडेड रहते हैं। अब यहाँ पे प्लांट बॉडी की बात कर ली जाए तो होल्ड फास्ट, स्टाइप्स, ओके, और फ्रॉन्ड, जिसमें आप देखो इसके ऊपर जो है वो आपके बीएचयू में भी क्वेश्चन आ चुके हैं एंट्रेंस में और नीट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ और एक बात याद रखना, आपके जो क्या कहते हैं आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स जो होते हैं ना यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स, उसको ना थोड़ा लेंथी बनाए रखने के लिए, थोड़ा सा उसका मतलब टफनेस बनाने के लिए लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो नीट वगैरह से भी उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो आप डोंट वरी, आपको बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर प्रैक्टिस होने वाली है, तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहो। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो होल्ड फास्ट जो है वो क्या होता है, तो इट्स ये अटैच द प्लांट बॉडी टू द सबस्ट्रैटम, ये जो है वह क्या है, इनमें ध्यान देना, ये देखो ये होल्ड फास्ट, ठीक है, ये होल्ड फास्ट है और इनमें ये रहे स्टाइप और ये क्या है फॉन्ड, यानी कि आप ध्यान ऐसे कह सकते हो कि जो पैर है ना, जो पैर बेस वाला एरिया वो क्या है, वो होल्ड फास्ट है और जो नेक वाला जो एरिया है, नेक वाला जो एरिया है, ठीक है, ये हमारा स्टाइप है, ये हमारा क्या है स्टाइप है, और जो अपर एरिया है यानी कि आपके हेड वाला जो एरिया है वह क्या है, वह फ्रॉन्ड है, वह क्या है फ्रॉन्ड है, देखो ऐसे 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 गया ना, ऐसे 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 गया ना, ये फ्रॉन्ड है, ये हो गए स्टाइप, ये हो गए होल्ड फास्ट और ये हो गए फ्रॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब बात करते हैं, देखो ऐसे अगर बात करो तो ऐसे भी आप यहाँ पे देखो इसकी अगर बात करें होल्ड फास्ट, यहाँ देखो यहाँ पे जो होल्ड फास्ट हैं दूसरे वाले में, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होल्ड फास्ट, यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे एयर ब्लैडर, इसमें छोटे 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 एयर ब्लैडर, ये एयर ब्लैडर इन्हीं में देखो इन्हीं में क्या हो गया, यही स्ट्रक्चर है, देखो यही स्ट्रक्चर है और आगे चल के क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया, इनमें क्या हो गया, इनमें एयर ब्लैडर आ गए, दैट मीन की एक्सचेंज ऑफ एयर के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। यहाँ पे फ्रॉन्ड आप देख रहे हो, फ्रॉन्ड में ही छोटे छोटे क्या आ गए हैं आपके पोर्स आ गए हैं। अब यहाँ पे ये बीच में फ्रॉन्ड्स के पीछे मिडरिब्स आ गए हैं। अब इसी में क्या हो गया, इसी में देखो समय के साथ साथ क्या हो गया, ये जो है वो चेंज हो गया, देखो कैसे हो गया, इनमें पार्टीशन हो गया, ये पार्टीशन हो गया और साइड साइड ब्रांचेस टाइप हो गए, तो ये देखो अब आपके जो होल्ड फास्ट जो है वो उस टाइप में क्या हो गया, फ्यूज हो गया, तो अब क्या बच गया, स्टाइप बच गया और फ्रंट बच गया। अब यहाँ पे जो है बात जो कही जा रही है, देखो ये स्ट्रक्चर आप ना ध्यान रखना, स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर को बहुत बार क्या होता है तीनों दे देंगे और देकर आपसे नेमिंग वगैरह वाले पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो ये जो है वो हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन इनमें होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जूस्पोर, जिसमें कि बायो फ्लैजलेट अनइक्वल लैटरली अटैच फ्लैजली, इसमें जो है क्या होंगे के अनइक्वल जो अनइक्वल लैटरल अटैच्ड होंगे, फ्लैजली जो है आपस में अटैच होंगे और बायफ्लैजलेट्स इनमें होते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल की रिप्रोडक्शन की, तो आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ओगैमस, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं यूनियन ऑफ अ गैमेट्स की, तो हमारे इनमें जो हमारे गैमेट्स जो मिलते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ होता है, तो वो जो है वाटर में होता है, विद इन ओगोनियम, दैट मीन ओगैमस स्पीशीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं कि वाटर में ही इनका जो फ्यूजन होगा। अब गैमेट्स आर पाइरीफॉर्म, दैट मीन पियर शेप्ड, नाशपाती के शेप का होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे एक्टोकार्पस, डायकोटा, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सर्गेसम और फ्यूकस, ठीक है। अब जो है रोडोफाइसी की बात की जाए, रोडोफाइसी क्या है बच्चा जी, तो रोडोफाइसी रेड एल्गी है, और रेड एल्गी जो होते हैं इनको हम इसलिए बोलते हैं रेड एल्गी बिकॉज इसमें आर फाइसोइरिथ्रीन जो है पिगमेंट्स, जो कि रेड पिगमेंट होती है, यह पाई जाती है, और ये जो है मेनली हमारे क्या है मराइन है और विद द बल्क मास इनहिबिटिंग वार्म एरियाज, ये जो है वो ज़्यादातर गर्म इलाकों में ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि इनमें इनके अकर्स इन अ वेल लाइटर रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ अ वाटर एंड ऑल्सो इन अ डीपर एरियाज, यानी या तो ये सबसे ऊपर में रहेंगे, सबसे ऊपर एरिया में रहेंगे क्योंकि ऊपर में सनलाइट वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, तो गर्मी मिलेगी इनको, और क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या है उससे ऊपर का टेम्परेचर जो है सन के कारण अफेक्टेड रहेगा, गर्म रहेगा, तो वहाँ पर पाए जाएंगे, या तो एकदम डीपर में, सी के एकदम अंदर में, समुद्र के अंदर में, पानी के एकदम अंदर में, जहाँ पे मतलब
का टेम्परेचर क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट आपके बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे लाइट वगैरह पहुँच नहीं पाती, तो वहाँ का टेम्परेचर भी एक तरह से नॉर्मल नहीं रहता। तो आप देखो बात कर सकते हो कि ये जो है आपके इसी तरह के एरिया में जो है वह रहते हैं। रेड थाली ऑफ द मोस्ट ऑफ दिस मल्टी सेल्यूलर, रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ दिस स्पेसिस मल्टी सेल्यूलर सम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी रेड एल्गी जो है इनके पास इनके जो स्ट्रक्चर जो होते हैं स्पीशीज जो होते हैं मल्टी सेलर भी होते हैं, और कुछ के जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात की जाए उसके पहले बात की जाए, इनके जो फूड जो है वह स्टोर होते हैं एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि सिमिलर होता है किसके अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के स्ट्रक्चर से बिल्कुल मिलता जुलता है। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें वेजिटेटिव होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि नन मोटाइल स्पोर्स जो होंगे, ओके, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपके नन मोटाइल गैमेट ओगैमस और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स वगैरह भी शामिल है, जैसे कि इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद की चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें इसमें शामिल है। डिविजन ऑफ अ ब्रायफाइटास की बात करें तो ये जो है आप इनको ये एक बार ना आपके एग्जाम्स में जो है बच्चा जी वो एकदम से डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किसे कहते हैं, प्लांट किंगडम के अकॉर्डिंग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स किसे कहते हैं, तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट बोलते हैं बच्चा जी ब्रायोफाइटा को। ठीक है, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है वह आपके लैंड पे भी रहते हैं बट अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये डिपेंड करते हैं किस पे, वाटर पे। तो ये भी एक यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह अराइज होते हैं आपके और हो सकते हैं। पहला कि आपके एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कौन है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, तो वो है आपके ब्रायोफाइटा। और इसी पे कि आपके ऐसे पूछ सकते हैं कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम जो है वह क्यों कहलाते हैं, दैट मीन रीजन क्या है उसके पीछे, तो इसलिए क्योंकि वो आपके रहते तो हैं लैंड पे बट अपने रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंड करते हैं किस पे, वाटर पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो है यूजुअली कूल और डैम्प और शेडी एरियाज जो है वह वहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका रोल जो है, इनका रोल जो है वह प्लांट सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक सॉइल्स, इन प्लांट सक्सेशन, ध्यान देना प्लांट सक्सेशन जो है वो हमारा एक चैप्टर हुआ करता था पहले, अब ना शायद नहीं ये करते। पहले क्या था कि ऐसा कहा जाता था कि मान लो कोई बेयर एरिया है, ठीक है, बहुत ही बंजर एरिया है और यहाँ पे ना लैंड है, ठीक है, वाटर है, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे जो है ना पानी के बहाव से ये जो है ना वो टूटेगा। ठीक है, टूटेगा तो कहीं से उड़ता फिरता जो स्पोर है ना वो यहाँ पे आएगा, और क्योंकि ये बंजर एरिया है तो भाई जितना ये फेवरेबल होगा ये कंडीशंस के लिए, तो भाई मान लो कि आया और मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा तो ये जो है वह मर गया यहीं पे, तो मर गया तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो यहाँ पे छोड़ के जाएगा, फिर दूसरे स्पोर्ट्स जो है वह यहाँ आएंगे तो इसका जो बचा हुआ जो डिकम्पोज हुआ था तो उसके जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उसको वह यूज़ करेगा और कुछ टाइम तक के लिए सर्वाइव करेगा, फिर ये भी मर जाएगा और क्या करेगा, फिर अपने लिए जो अपने जो भी है ऑर्गेनिक मैटर वो एज अ वो छोड़ कर जाएगा, डैट मर जाएगा तो डिकम्पोज होगा ना। फिर इसी तरह से एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ की ज़मीन जो है यानी यहाँ का जो बेयर एरिया जो है यानी बंजर एरिया जो है वह क्या बन जाएगा, वह एक हरा भरा हिस्सा बन जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह जो है वह उग आएंगे। तो वही पे कहा जाता है, वही कहा जाता है कि वहाँ पे जो है ना उस एरिया में ये जो है प्लांट यही जो प्लांट सक्सेशन हो रही है, दैट मीन कि इनमें क्या हो रही है, डैम के साथ साथ इनमें क्या हो रही है, ग्रोथ होने के चांसेस इनके बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, ब्रायोफाइटा। अब प्लांट बॉडी की बात करें तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड दैन एल्गी, एल्गी के कंपैरिजन में, दो हैलोफाइटा जो थे उनके ना तो भाई उनका रूट का पता चलता था, ना ही उनके स्टेम का पता चलता था, ना ही लीफ का पता चलता था, मतलब भाई बिल्कुल बोलते ना किसी के मुंह कान का पता ही नहीं है, बिल्कुल वही बंदे थे। ठीक है ना, अब ये जो है प्लांट बॉडी जो हमारा ब्रायोफाइटा है इनमें डिफरेंशिएशन आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेगी, और थैलस लाइक अ प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रैटम बाय अ यूनिसेलुलर और अ मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, यानी यहाँ पे इनके कुछ थैलस लाइक अ बॉडी जो प्लांट बॉडी जो होंगे वो अटैच होंगे सबस्ट्रैटम से बाय किस से, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर राइजोइड से। अब जो है इनमें लैक ट्रू रूट्स, ट्रू रूट्स इसमें बिल्कुल नहीं होते, स्टेम्स एंड लीव्स में पोजेस रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बिल्कुल आप बोलोगे ना
डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, नो डाउट डिफरेंशिएट इनको कर सकते हो, बट इनमें अगर ट्रू रूट लीव्स स्टेम्स की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं होते, बट हाँ उन जैसे मिलते जुलते स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मेन प्लांट बॉडी की बात की जाए तो दैट आर द हैप्लॉयड, और ये जो होते हैं ध्यान देना ये क्या है, गैमेटोफाइट क्या है इसके, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात करें तो इनके जो सेक्स ऑर्गन जो होंगे, मेल के जो सेक्स ऑर्गन होंगे वह एंथ्रीडियम होंगे और फीमेल के आर्किगोनियम होंगे, ठीक है, फीमेल की आर्किगोनियम होंगे। ध्यान देना कि एंथ्रीडियम जो है वो प्रोड्यूस करेंगे एंथ्रीजॉइड्स और आर्किगोनियम जो कि आपके फ्लास्क शेप के होते हैं, फ्लास्क शेप के होते हैं, ठीक है ना, फ्लास्क शेप के होते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं सिंगल एग। और ध्यान एक और चीज कि ये क्या करेंगे, रिलीज इन वाटर कम इन कॉन्टैक्ट विथ एग, यानी एंथ्रीजॉइड्स जो हैं, यानी कि ये क्या हो गए, ये बायफ्लैजलेट्स होंगे, बायफ्लैजलेट्स होंगे, दोनों तरफ से क्या फ्लैजला निकला हुआ होगा, ठीक है, और ये जो होंगे ना ये वाटर में रिलीज होंगे और एग्स के कॉन्टैक्ट में आएंगे, और जब एग्स के कॉन्टैक्ट में ये आएंगे तब फ्यूज करेंगे और फॉर्म करेंगे किसका, जायगॉट का, और ये जो जायगॉट है, ये जो जायगॉट है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी स्पोरोफाइट, और जो कि मल्टी सेल्यूलर होगा, जो कि मल्टी सेल्यूलर होगा। क्यों मल्टी सेल्यूलर होगा, क्योंकि एंथ्रेजॉइड्स में मिला है और आपका ये क्या कहते हैं आर्किगोनियम भी मिला है, ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर होगा। अब रिडक्शन होगा इनमें, क्या होगा इनमें, डिविजन, रिडक्शन डिविजन, दैट मीन की मियोसिस होगी, इसमें क्रोमोजोम नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, क्रोमोजोम नंबर क्या होते हैं बच्चा, हाफ हो जाते हैं, तो जब हाफ होगा तो ये क्या बन जाएगा, यह हैप्लॉयड सेल बन जाएगा, यानी नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होंगे वह सिंगल एन होंगे, ठीक है ना। डिप्लॉयड हम लोग किसको बोलते हैं, डबल एन को बोलते हैं ना, तो ये सीधे हाफ हो जाएगा इनका। अब बात करते हैं स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर फूड, और ये जो स्पोरोफाइट हैं वह डिपेंड होते हैं किस पे, गैमेटोफाइट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, और इसीलिए इट रिमेंस अटैच टू द गैमेटोफाइट, और इसीलिए ये गैमेटोफाइट से ही अटैच रहते हैं। और कुछ सेल्स, फ्यू सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स, ध्यान देना कुछ जो आपके स्पोर्स होते हैं उनमें मियोसिस हो गया, ठीक है, मियोसिस हो गया तो अब क्या करेंगे, तो मियोसिस हो जाएगा तो वो स्पोर्स बन जाएंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स बन जाएंगे, और स्पोर्स जो है जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, और यही स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और बनेंगे गैमेटोफाइट। फिर से बता दे रही हूँ, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लो क्या है, गैमेटोफाइट में क्या रहा, गैमेटोफाइट में हमने बात करी, यहाँ गैमेटोफाइट अगर एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए तो इसमें क्या है, इसमें एंथ्रेजॉइड्स है, ठीक है, एंथ्रेजॉइड्स, और ये क्या है, आर्किगोनियम देखो है ना, आर्किगोनियम। अब जो है क्या होगा कि ये जो है वह रिलीज होंगे वाटर में, ये दोनों रिलीज होंगे, फ्यूज हुआ तो क्या बना, फ्यूज हुआ तो इसमें जो है वह जायगोट बन गए, ठीक है, जायगोट बन गए, तो जायगोट जब बन गए तो क्या हुआ कि ये जो थे वह मल्टी सेल्यूलर थे, क्या थे बच्चा जी, मल्टी सेल्यूलर थे। अब जब क्योंकि ये मल्टी सेल्यूलर थे बच्चा जी, तो अब इनमें क्या हुआ ना कि ये जो है अब इनमें क्या होगा कि इनमें कुछ में देखो मियोसिस हो जाएगी, दैट मीन कि इनके क्रोमोसोम्स के जो नंबर हैं वह हाफ हो जाएंगे, ठीक है, और ये हैप्लॉयड बन जाएगा, ठीक है, हैप्लॉयड स्पोर बन जाएगा, और ये हैप्लॉयड स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा फिर से ये गैमेटोफाइट बन जाएगा, और जब तक ऐसा ना हो, जब तक जर्मिनेट ना हो उसके पहले तक ये अपने गैमेटोफाइट से ही जुड़ा रहेगा अपने फूड के लिए, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होते तब तक मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी डिपेंड रहेगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात, देखो प्रोवाइड्स फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, ओके, हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जो हमारे बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जो कि क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, तो उनके लिए ये फूड प्रोवाइड करवाते हैं। अब पीट प्रोवाइडेड बाई स्फैगम इज यूज एज अ
फ्यूअल्स यानी स्पैगम्स की जो आप बोल सकते हो कि पीट वगैरह जो होती है, वेस्टेज वगैरह जो होती है, उनको फ्यूअल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्पैगम को हम लोग पैकिंग मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसशिपमेंट्स ऑफ अ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इनके जो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है, इनके कारण हम लोग क्या करते हैं कि मैं बहुत सारे मटेरियल्स की जो पैकिंग वगैरह जो है ना, वो उसमें इनका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं, दे फॉर्म अ डेंस मैट्स ऑन द सॉइल एंड हेंस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये जो है कहीं ना कहीं मिट्टी के ऊपर जो है काफ़ी ही मतलब काफ़ी अच्छा खासा मोटा लेयर बना लेते हैं जो कि सॉइल इरोजन होने से रोकते हैं। यहाँ पे मैट चटाई की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, अपना एक लेयर बना लेते हैं जो कि काफ़ी मोटा होता है और वो जो है सॉइल इरोजन को होने से रोकता है। मॉसेस जो होते हैं उनकी अगर बात कीजिए, अलोंग विद द लाइकेन फॉर्म पायनियर कम्युनिटी इन अ लैंड एंड अ डेजर्ट सक्सेशन। यानी कि वहाँ पे यहाँ पे वही लोग क्या करते हैं, मॉसेस जो होते हैं लाइकेन्स के साथ मिलके ये क्या करते हैं अपने डेजर्ट सक्सेशन वगैरह करते हैं। अब जो है क्लासेस ऑफ अ ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें तो ब्रायोफाइट्स के जो क्लासेस में आपके दो आ गए, एक लिवरवॉर्ट्स हो गए, एक मॉसेस हो गए। अब लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस की अगर बात की जाए तो लिवरवॉर्ट्स पहले देख सकते हो ये क्या है, फीमेल थैलस ऑफ मर्चेंटिया और ये मेल थैलस ऑफ मर्चेंटिया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, औरतें जो होती हैं वो हमेशा साज श्रृंगार के लिए जानी जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये औरत जो है यानी फीमेल जो है, इसने अपने बालों में फूल लगाए हुए हैं। इसने क्या लगाए हुए हैं, अपने बालों में फूल लगाए हुए हैं। देख रहे हो फूल जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो बिल्कुल ये जो है वो क्या लगाए हुए हैं, फूल लगाए हुए। और जो मेल जो है ना, उनको भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अभी बस निकलते हैं तैयार होकर भाग जाते हैं, ठीक है ना। मतलब उनको तैयार होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, औरतें टाइम लगाती है ना। तो इसीलिए देखो फूल वूल अच्छे से एकदम सजा सजा के एकदम रखी हुई है और जो फीमेल के मेल जो है वो बस हाँ भाई निकल गए, बस वैसा ही है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, क्योंकि फीमेल में जो आपकी गैमेट्स होते हैं दैट इज आर्किगोनियम, तो ये जो है आर्किगोनियोफोर है, ठीक है। और मेल में कौन से और गैमेट होते हैं, तो मेल में जो गैमेट होते हैं वो होते हैं एंथ्रोजॉइड्स और इसी से बने हैं ये एंथ्रीडियोफोर। इसी से ये दोनों अलग है, बाकी गेमा कप दोनों में सेम और राइजॉइड से तो ये जुड़े हुए होते हैं, ये तो पता ही है। अब बात करते हैं, ये भी जो है बच्चा जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फिगर देखकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं ग्रो इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट। ये जो है गीले और छायेदार जगह पे ये जो है वो ग्रो करते हैं। इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो थायलॉइड होती है, ठीक है। अब जो है बात करने जा रहे हैं, थैलस इज अ डॉसी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। ये जो है थैलस जो होते हैं वो डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखो कैसा स्ट्रक्चर, देख रहे हो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है ये, इनकी बात कही जा रही है। अब बात यहाँ पे हो रही है लीफी मेंबर, ये जो लीफी मेंबर हैव अ टीनी लीफ लाइक अपेंडिजेस ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनके ऊपर देखो छोटे 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 स्टेम्स लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक्चुअली में लीफ जैसे हैं, लेकिन आप इनको एज अ स्टेम भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन और गेमेबर्ड्स के थ्रू होते हैं। फ्रेगमेंटेशन तो समझ में आता ही भाई कि वो टूट जाते हैं टुकड़े में, उसके बाद फिर जो है उनमें रीजनरेशन होती है। लेकिन यहाँ पे जो है गेमेबर्ड्स की बात करें जो कि ग्रीन कलर्ड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लोकेटेड ऑन थैलाई होते हैं, थैलाई के ऊपर होते हैं गेमा कप्स में, ठीक है। और यहाँ पे गेट अटैच्ड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, और यही जो है वह अलग होते हैं, डिटैच होते हैं और नए इंडिविजुअल्स के रूप में फॉर्म करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस डिफरेंट और अ सेम डिफरेंट और सेम और क्या करते हैं, प्रोड्यूस देखो सेम और अ डिफरेंट थैलाई। और स्पोरोफाइट्स जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं फूड सीटा कैप्सूल्स, ठीक है। देखो क्या है, तो ये हो गए फूड, ये हो गए सीटा और ये हो गए कैप्सूल, ठीक है। अब जो है स्पोर्स प्रेजेंट इन कैप्सूल, स्पोर्स जो है वह इसमें प्रेजेंट होते हैं और स्पोर्स क्या होते हैं, जर्मिनेट टू फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। स्पोर्स जो है जर्मिनेट होते हैं कब, टू फ्रॉम फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। यानी ये क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट ये जब निकले, ठीक है, इनको फेवरेबल कंडीशन मिला, जर्मिनेट किए और ये फिर से क्या बन गए, गैमेटोफाइट बन गए। वही तो हमने बात अभी करी थी ना कि जो है अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं और उसके बाद फिर क्या होगा, जर्मिनेट जब करेंगे तो फिर से वो गैमेटोफाइट बन जाएंगे, वो स्पोरोफाइट। लेकिन जब तक वो ऐसा ना हो तब तक वो अपने पेरेंट्स से ही जुड़े रहते हैं, अपने गैमेटोफाइट से ही जुड़े रहते हैं। अब मॉसेस की बात करें तो मॉसेस में देखो ये हिस्सा जो है ऊपर का हिस्सा जो है वो गैमेटोफाइट है, नीचे का हिस्सा जो है ऊपर का हिस्सा जो स्पोरोफाइट है, नीचे का हिस्सा जो है गैमेटोफाइट है। अब देखो स्पोरोफाइट मीन वो
बट स्पोरोफाइट मीन वो जो कि बेचारे अभी जन्मे हैं। गैमेटोफाइट जो पेरेंट्स वाले हैं, देखो मेन एक्सिस राइजोइड्स, और ये देखो ये सीटा, यहाँ पे इनका फूट हो गया होगा, ये कैप्सूल हो गया होगा, यहाँ पे जो है ये हिस्सा जो है यहीं पे स्पोर होता है, और ये क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। कब तक जुड़े रहेंगे, जब तक अपने मतलब इनका जो है किसी वो अपने जर्मिनेशन के लायक ना बन रहा है, फिर इनका स्पोर जो है वो कहीं गिरेगा, उनको वैसा फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, देन आफ्टर वो ग्रो करेंगे और फिर से गैमेटोफाइट की तरह बन जाएंगे। अभी देखो एंथ्रीडियल ब्रांच हो गए, ब्रांचेस हो गए, आर्किगोनियल ब्रांचेस हो गए, ये स्पैगम और गैमेटोफाइट, ये स्पैगम गैमेटोफाइट है, और ये जो है गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है फनेरिया की। तो ये देखो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखे इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं गैमेटोफाइट की, ठीक है। तो गैमेटोफाइट जो होती है बच्चा, ये क्या होती है, तो दैट इज द प्री डोमिनेंट स्टेज। और जो इसमें गैमेटोफाइट जो होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग इनको क्लासिफाइड करते हैं प्रोटोनीमा में और लीफी स्टेज में। प्रोटोनीमा जो होते हैं बच्चा जी, ये डेवलप्स होते हैं डायरेक्टली स्पोर से, और इनका जो होता है क्रिपिंग, यानी कि ऊपर की ओर, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना क्रिपर्स काइंड ऑफ होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और ब्रांच होते हैं। लीफी स्टेज की बात करें तो ये डेवलप होते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, और ये एज अ लेटरल बर्ड्स ये के रूप में निकलते हैं। अब बात की जाए कंसिस्ट अपराइट ऊपर की ओर, ठीक है, और स्लेंडर एक्सिस बियरिंग लीव्स, और इसमें जो है ऊपर की ओर जो है में कुछ लीव्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ देखो ये जो स्ट्रक्चर तो दिख रही है ना, बिल्कुल उसी की बात हो रही है। अब जो है यहाँ पे बात की जाए ये वाली स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, देखो देखो बता रही ये वाले, ये देखो ये इसमें भी आप देख सकते हो है ना, लीफ वगैरह निकले हुए ना अच्छे से, तो इसी की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे जो है बात की जाए अटैच टू सॉइल बाय मल्टीसेलर ब्रांच राइजोइड, यानी ये जो है वह अटैच है किससे, राइजोइड से। देखो ये क्या है आपके अटैच जो है ना, ये लीफी स्ट्रक्चर जो है वो अटैच है ना राइजोइड से, अब उसी की बात हो रही है। देन बियर सेक्स ऑर्गन, और उसी के पास क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में दो तरह से होते हैं, वेजिटेटिव और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और बडिंग होती है सेकेंडरी प्रोटोनोमा में, ठीक है, बडिंग के थ्रू भी होती है। बडिंग में क्या हो जाएगा, तो उनके बर्ड्स वगैरह निकल आएंगे और पेरेंट बॉडी से ये क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे, और धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होगी। और कब तक ग्रोथ होगी, जब तक ये पूरी तरह से ग्रोथ ना कर जाए, जब ये ग्रोथ हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अपने पेरेंट बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स एट द एपेक्स ऑफ अ शूट्स, यानी ये जो है आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे कि इधर जो है यहाँ पे आपको इनके सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें दो होते हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगॉट जो है वो डेवलप हो जाते हैं किसमें, स्पोरोफाइट में, और फिर यही स्पोरोफाइट जो है वो क्या होगी, इनमें जो है वह मियोसिस होगी और वो हैप्लॉइड स्पोर में चेंज होंगे, और ये स्पोर जो है उनको उनका जब जर्मिनेशन होगा, उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वो जब क्या हो जाएंगे, वो जब जर्मिनेट करेंगे तो एज अ फिर से वो गैमेटोफाइट के रूप में वो बदल जाएंगे। अब देखो स्पोरोफाइट की बात करें तो मोर इलेबोरेट देन लिवर वॉर्ट्स, यानी आपके जो स्पोरोफाइट जो होते हैं तो ये क्या है आपके, इनमें स्पोरोफाइट में क्या कहा जाए, तो मोर इलेबोरेट देन लिवर वॉर्ट्स, लिवर वॉर्ट्स से ये ज़्यादा ये होते हैं आपके, इलेबोरेटेड होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। इसमें फूड सीटा कैप्सूल्स कंसिस्ट होती है, कैप्सूल्स में ही आपके स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स जो है आपको पता है फॉर्म होते हैं मियोसिस से, क्योंकि पहले ये मल्टी सेलर हुआ करते हैं, जो मियोसिस होती है तो फिर ये यूनिसेलर हो जाते हैं। और इलेबोरेट मैकेनिजम्स ऑफ स्पोर डिस्पोजल जो है वह किस में होता है, इनमें जो सिंपल सी बात है, इनमें जो इनकी जो स्पोर का डिस्पोजल कैसे होगा, तो और ज़्यादा ऐसे 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 फैलते जाएंगे, इलेबोरेट होते जाएंगे, और इनके स्पोर्स जो है वो क्या होते जाएंगे, नीचे फॉल होते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एग्जांपल इनके फनीरिया हो गए, पॉलीट्राइकम हो गए और स्पैगम हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ब्रायोफाइट्स जो है वो पूरी तरह से और समझ में आ गया होगा। इवन इसके अलावा हमने एल्गी का जो डिवीजन पढ़ा वो भी आपको समझ में आया होगा। बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ अ टेरिडोफाइटा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, देन हमें कमेंट जरूर करो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और अपने दोस्तों में ये वीडियो को फैला दो। ओके, देन मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।